गाड़ी थाना के अंदर है भाई साहब, पुलिस वाले ने पीछे बैठा बोले कि गाड़ी थाना के अंदर लगाओ, गाड़ी थाना के अंदर लगा हुआ है। ये देखो बिष्टुपुर थाना गाइस, दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। देखो बेटा तुम ही रे बेटा, हम तुम्हारा बाप। सो हे गाइस, न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो वैसे हम 6:30 बजे उठ गए थे सुबह ही सुबह, फिर बोलते ना आंख लग जाता है, तो फिर आंख लग गया तो फिर सोचे एक बार और नींद ले लेते, तो उसके बाद 10:30 बजे उठे। फिर ब्लॉग वगैरह भी एडिट करना था क्योंकि रात को तो एडिट नहीं किए और इंस्टाग्राम खाली स्क्रॉल करते रह गए रात को, तो इसी कारण फिर अभी थोड़ी देर पहले ब्लॉग वगैरह एडिट किए, फिर अभी जाके नहाए थे। तो भाई साहब अभी हम ऐसा है कि नहा धोवा के एकदम फ्रेश हो चुके हैं और अभी ये बाल से हम बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, इतना छोटा भी हो गया ना, तो हम सोच रहे पूरा छोटा ही करा ले एकदम छोटा। इंस्टाग्राम में आप लोग देखे हो कि 3 पोस्ट को हम पिन करके रखे हैं, उसमें मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अब बहुत लोगों को मेरा बाल पसंद आता है छोटे बाल में, तो हम वही सोच रहे कि पूरा छोटा ही करा लेते, एकदम महीन करा लेते, वही सोच रहे। पर फिर कभी कभार लगता है कि बाल मेरा तो जल्दी बढ़ता है नहीं, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है और बस ये दिक्कत है और कुछ नहीं। हाँ ना है माँ, तुम खाली सो सो के अपना शरीर ढाल दे रही है, खाली सोते रहो दिन भर। हाँ तो काम धंधा कर लिए तो बैठो कम से कम, थोड़ा घूमो फिरो, काम धंधा कर लिए तो लेटे रहे, मतलब हो गया अपना काम धंधा तो लेटे रहे, लेटो मत, थोड़ा घूमो फिरो इधर उधर टहलो। कब आए तुम तो सोए हो, हाँ फिर आए हैं, कपड़ा लता धोए हैं, नहाए हैं, पूजा किए हैं। हाँ तो फिर लेट गए, जाइए फिर से लेट जाइए फिर खाना खाएंगे खिलाएंगे तब ना। हाँ तो लेटने का नहीं है, अभी आराम से बैठो चुपचाप रहो। इनको बस बहाना चाहिए गाइस, मतलब वो मम्मी खाली सोना चाहती है बस, इनको काम कौन कर देता है। काम करती है ठीक है वहाँ पर, उतना भी नहीं सोते, सोगी तो शरीर ढल जाता है। हम मम्मी को बार बार कहते हैं, घर वाले सब कहते हैं, पापा भी कहते हैं कि मत सुतो उतना सोने से, ए मम्मी ऐसे सो लेगी अब चिंता करे, ये सबसे बड़ा इंसान को तो चिंता ही खा जाता है। हम तो बोलते हैं वहाँ, घर वाले भी बोलते हैं चिंता खा जाता है इंसान, माइंड एकदम फ्रेश रखो हर एक दिन ना, एकदम फ्रेशनेस रखो, कोई चीज का टेंशन मत रखो, बस एकदम पीस माइंड रखो, आराम से बस सो भी रहे हो तो ऐसा सोतो कि हाँ सो रहे हो, नींद ले रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ सोच रहे हो ऐसे सूत के सोच रहे हो, ऐसा वाला सूतना नहीं चाहिए, समझा। हाँ तो इस बार ध्यान दो माँ, हम बहुत बार देखे, इस बार ध्यान दो, चिंता बेफिजूल का, मम्मी घर पे चिंता करती है यार बेफिजूल का, इसी कारण ना थोड़ा सा मेरा भी ना माइंड एकदम लो, मतलब कैसे बोले जैसे अभी हम कैसे चिड़चिड़ हो रहे हैं ऐसा हो जाता है मेरा माइंड। मम्मी को हम बार बार समझाते हैं यार कि नहीं सोचने का। अब एक बात बताओ, सबका एक दूसरे से फीलिंग जुड़ा है, हम तुमको देख के जी रहे, तुम मेरे को जी रहे, हम कहीं जाके मुंह लटका के बैठ जाएंगे तुमको अच्छा लगेगा मेरा बेटा क्या सोच रहा है, क्या हो गया मेरा बेटा का, तो इसी कारण यार तुमको देख के हम लोग भी तो जी रहे ना, तो नहीं सोचने का, कुछ नहीं सोचने का, क्या टेंशन है बताओ, क्या टेंशन है, नहीं कुछ टेंशन, तो फिर नहीं सोचने का। इस पे जरा गौर फरमाइए, इनका अभी पुच्छी खड़ा हो रहा है, ये भी बेचारा सो ही रहा है क्या। पवन तो स्कूल गया है, पापा अपना ड्यूटी चल गया, सुबह सुबह ही चल जाते हैं, पापा से पहले हम उठ ही नहीं पाते हैं, जब उठते हैं तो देखते हैं पापा साइकिल लेके अपना ड्यूटी निकल चुके हैं, तो यही प्रॉब्लम हो जाता है भाई। और केला का पेड़ तो अभी सूख गया है, उधर थोड़ा थोड़ा ठीक है, इधर तो पूरा सूख गया है, देख रहे हो आप लोग। और इसी कारण मकान मालिक ने बोला था कि उसको बांध के रखो जिमी को, नुकसान कर देता है ना ये केला का पेड़, और केला का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है, आप लोग को पता है ना, बहुत शुभ माना जाता है। इधर तो कट कर दिया है केला का पेड़, बाकी इधर भी उस पट्टी एक नेचर एक अच्छा लगता है। कल देख रहे हो जिमी का, ये देखो कितना बड़ा बड़ा झड़ता है यार, ये देखो इस कोने में भी खाली इसका बाल देख रहे हो, बहुत झड़ता है इसका बाल। पर ये स्कूटी बहुत ज़्यादा साथ दिया है, ये हम स्कूटी लिए थे 14 जुलाई को मेरे बर्थडे का दिन, ये शायद से हम 2020 या 2021 में लिए थे ये स्कूटी, अगर आप लोग को याद है तो कमेंट करके बताना ये स्कूटी हम कब लिए थे। आना है इसको, वो दिखा रहे निकालो तो, अभी थोड़ी ना लगाना है इसको, रात को सोने टाइम लगाना है। देखो ये जड़ी बूटी दवाई है जो हेयर में लगाना था। गाइस अभी निकलते हैं फटाफट से, गेट खोल लेते हैं, तो अभी जा रहे हैं सांची मैदान में कपड़ा पसा रहे हैं। मैदान में? कौन सा मैदान में? अरे बाबा उधर टांगी है मम्मी कपड़ा, कितना दूर में एकदम, इतना मेहनत करते हैं।
अरे माँ आशीर्वाद दो माँ, जल्दी जल्दी आशीर्वाद दो, कुछ अच्छे पल आए, आशीर्वाद दो। ए हाथ जल गया है क्या? जल गया है। कैसे? मार पसा रहे थे। अरे यार माँ, उतना दूर में पसा रही है मम्मी भाई साहब। इधर देखो ऑलरेडी यहाँ तो कपड़ा सब पसा रहा हुआ है, उधर भी पसा रहा हुआ है। हाँ मेरे ही कपड़ा है। गाड़ी खड़ा कर दिए फटाफट से, अब यही जगह से गाड़ी सॉरी यही जगह फास्ट ट्रैक का जो कंपनी है यहीं से घड़ी लिए थे गाइस। तो चलते अभी फटाफट से, पूछते चार्जर मिलता है कि नहीं। तो गाइस फिलहाल अभी भैया को दे दिया है घड़ी, एंड वो देख के बताएंगे अब चार्जर है या नहीं। फर्स्ट टाइम मेरा हरा गया था तो उस टाइम अवेलेबल नहीं था, ऑर्डर करना पड़ता, तो भाई ये दूसरा बार आया हूँ घड़ी का चार्जर लेने। चलो इसका चार्जर मिल चुका है, अब आराम से घर जाके चार्ज करेंगे, उसके बाद पहनेंगे इसको। चार्जर का दाम सुन रहे हो, ये चार्जर का दाम कितना था पता है गाइस आपको? 395 भाई साहब, 395। इसको फटाफट से बैग में रख लेते हैं। ये चार्जर छूट गया था मेरा जम्मू में, जम्मू एयरपोर्ट में छूट गया है, वहाँ लगेज भी छूटा हुआ है, बैग भी छूटा हुआ है, और ये चार्जर का सिर्फ 395 रुपीस भाई साहब। चलो गाइस अब दिल को तसल्ली मिला भाई साहब, फाइनली अब घड़ी चालू हो जाएगा। इतना दिन बाद, मतलब बोलते ना किस्मत की तरह ऑफ हो गया था पूरा, घड़ी भी किस्मत की तरह ऑफ हो गया था, अब जाके चालू होगा तो अब अच्छा लगेगा भाई कि फाइनली अपना घड़ी चालू हो गया। चलो गाइस अब फाइनली गाड़ी पे तेल भरा लेते हैं फटाफट से। जो काम था मेरा वो हो गया, चार्जर लेना था मेरे को, चार्जर भी ले लिए, अब कुछ काम नहीं बचा, अब सीधा घर जाएंगे। तेल भराते साथ पता नहीं गाइस साक्षी में ये किस चीज का भीड़ है, इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है गाइस। कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ है, जनता पार्टी कुछ तो है, कमल छाप बीजेपी। ये गलत सीन हो गया, आप लोगों को पता है मैं हेडफोन यूज करता हूँ, तो हेडफोन यूज करके गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया भाई साहब। तो अब चालान कट रहा है तो मेरे पास तो ये जगह गाइस, ये जगह पकड़ाया मैं, ये बिष्टुपुर वाला रोड है ना, हाँ ये बिष्टुपुर वाला, यहीं पे पकड़ाया। क्या ही बोलोगे गाइस, ये सबसे बड़ा मेरा गलत आदत है कि हेडफोन लगा के मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, सबसे बड़ा गलत आदत है। तो अब चालान कट गया है तो वही, अब कैश तो है नहीं मेरे पास, सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा गलत आदत है मेरा, 100 रुपीस कैसे जुगाड़ हो जाए। चलो गाड़ी थाना के अंदर है भाई साहब, पुलिस वाले ने पीछे बैठा बोले कि गाड़ी थाना के अंदर लगाओ, गाड़ी थाना के अंदर लगा हुआ है। खैर गलत है, जो गलत था वो गलत है भाई। थैंक यू अंकल। चलो गाइस कैश मिल गया, अब जाके फटाफट से वो पुलिस वाले अंकल को दे देते हैं। ये देखो बिष्टुपुर थाना गाइस। ये रहा गाइस अपने स्कूटी। तो भाई साहब घर पहुंच चुके हैं, आज का दिन ही खराब था। अब चलो हे जिमी, अरे तेरे को पता है यार क्या हुआ आज मेरे साथ? पता है तेरे को, आज ना मेरे को पुलिस वाला पकड़ लिया यार, समझा? हाँ गुड बॉय माय डॉग माय बेटा माय जिमी बेटा गुड बॉय बेटा गुड बॉय। यार फिर आए, गाड़ी चला रहे थे हेडफोन सुन के पुलिस वाले ने पकड़ ली। फिर उसके बाद क्या, 500 रुपए का चालान दिए, फिर क्या था, 500 रुपए चालान दिए तो फिर अभी गाड़ी छोड़ा, फिर आए तो मैं हेडफोन लगाना रे। हाँ हेडफोन नहीं लगाना। गाड़ी चला के मोबाइल वाला चलाएगा तो क्या होगा, सुनाई नहीं देगा पीछे वाला वरना होएगा तो। कितना दिनों बाद चार्ज होगा फोन, सॉरी घड़ी, ये चेक करो गाइस, ये देखो अभी
अभी चार्ज होगा ना, ये देखो चालू हो गया भाई अपना, घड़ी खराब नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पानी में भी भिंगा चुके हैं ना, तुमको लगा वाटर प्रूफ ही है। तेरा पास पैसे नहीं आ रहा सो समझ खर्चा करना, क्या करें। अभी तो गाइस मेरे को पापा का पेमेंट से चलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मेरा यूट्यूब का इनकम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अब पापा संभालेंगे मेरे को। दो साल ढाई साल आप लोग ने इतना प्यार दिखाया, आप लोग ने इतना सपोर्ट दिखाया, दो ढाई साल पापा को संभाल लिए, अब पापा संभाल रहे, पापा भी काम पे जा रहे थे तो पापा ही घर वगैरह सारा खर्चा पापा अब चला रहे हैं। अभी तो मेरा बिल्कुल पूरा रिच डाउन हो गया है, पूरा यूट्यूब का पूरा कुछ नहीं बोल सकते, वैसे क्या अलग है, पूरा पहले जैसा रिच नहीं है, पहले जैसा व्यूज़ नहीं है, पहले जैसा मज़ा नहीं है, तो इसी कारण अभी इसीलिए पापा ही से, पापा को हम बोलते कि पापा अगर आपका पेमेंट आएगा तो हमको 1-2 हज़ार रुपया साइड से दे दीजिएगा क्या। हाँ दे देगा बोला है। और किस्मत तो इतना ज़्यादा मेरा क्या ही बोलोगे, इतना ज़्यादा ख़राब है कि आज 500 रुपया चलान दे के आए बेफिजूल का, मतलब इसको बोलते ना ये बेवकूफ़ी, गलती कर दिया इतना बड़ा ना क्या बोलो। खैर कोई नहीं, गलती को सीख सकते, अफसोस करके क्या ही फ़ायदा, अफसोस करेंगे तो यहाँ लगेगा, अफसोस नहीं करते अफसोस करके क्या फ़ायदा। अच्छा ये बताओ कहाँ गया पवन? ट्यूशन गया। अच्छा पवन ट्यूशन गया भाई साहब, अभी भी उसका अभी तो बेचारा स्कूल लाइफ है, ट्यूशन व्यूशन जा रहा है पवन। अरे शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, तेरी और कोई खींचे तेरी और चली आए। घड़ी तो मेरा चार्ज हो गया हुआ गाइस, फुल चार्ज हो गया हुआ, फुल चार्ज हो गया। अभी 9:52 बता रहा है भाई घड़ी में, घड़ी भी पागल हुई है। 19 तारीख बता रहा है 100% चार्ज हो गया अक्टूबर, ये देखो क्या बता रहा है, नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। कैसा है राग ताल कैसा है? सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। पॉइंट दीजिए तो कितना पॉइंट देंगे बताइए? कितना पॉइंट देंगे? 10 में से कितना दीजिएगा? पूरा देंगे, पूरा 10। अब भाई साहब ये देखो मम्मी का बचपना, गुड़ रोटी खा रही है इधर मस्त, गुड़ रोटी पहले हम भी खाते थे बहुत ज्यादा गुड़ रोटी गाइस। किस में लाया यार बर्गर तुरकुले लाया होगा? हाँ तो क्या कर लाएगा यार, बंद है तो दुकान कैसे लाएगा? Here now guys, इधर देखो हमारे हेलो गाइस इंटर ले चुके हैं यार, क्या मत बोलो यार, परेशान हो गए आज तो पूरा पापा माल निकाल लिए पापा। हाँ यार निकाल लिए, पूरा खतरनाक माल निकाल लिए जो आप। हाँ तो नहीं करेंगे तो घर चलाना हमको ना। अरे बाबा चलो लेते आओ उसको। गाइस पैसा नहीं दिखाते क्या? तुमको खुद संवारना होगा ठीक है, ये हम भी नहीं संवार सकते तेरा, हम पैदा कर सकते हैं मगर तुम्हारा वो जो कर्म है या जो तुम्हारा है वो नहीं बांट सकते हैं, तुमको त्यागना होगा हर चीज। अब तुमको हम बोलेंगे कि नहीं पहले जैसे कि बेटा गुलगुले ला के खिलाते तुम बर्दाश्त करोगे? बोलो नहीं बर्दाश्त करोगे क्योंकि तुम बड़ी बड़ी चीज देख चुका है। अब हम गुलगुला ला के देंगे तो तुम बोलेगे पापा हम गुलगुला खाएंगे, इसलिए प्लीज पैसा मत काम करो, घर में ब्लॉग बनाओ सब कुछ करो, हम तुमको हम मना नहीं कर रहे हैं, घर में ब्लॉग बनाओ। पैसा हम तो देने के लिए तैयार है, तो पैसा हम ले लिए हुए हैं जी, जो मांगेगा दे देंगे। छोड़ दो ना, देखो बेटा हकीकत बोल रहे ना, दुनिया में कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा जी, हमको कोई साथ दे रहा नहीं दे रहा है, कोई अपना हो चाहे पराया। बैठो एक मिनट, तुमको हम बताते हैं सच्चाई, उधर बैठो पहले बैठो बात करो। बोलिए ना बोलिए। देखो बेटा तुम मेरा बेटा है, हम तुम्हारा बाप है, चाहे खुशी हो चाहे गम,
दो ही आदमी शेयर कर सकते, तीसरा कोई शेयर नहीं कर सकता। शेयर कर सकता तो अपना फैमिली, जैसे तुम्हारा भाई हो गया, तेरा मम्मी हो गया, ये सब शेयर कर सकता है। और रहा बात भगवान की बात, तो भगवान सबके लिए होता है, ये ना कि हम लोग के लिए होता, सभी को के लिए भगवान होता है। इसलिए तुम, हम तुमको तो तुम खांस रहा था उस दिन, हमको खराब लग रहा था, तुम खांस रहा था, तुमने अपना इलाज कराया, ये बाल ये सब हटाओ, बाल छिलाओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाओ, हम पैसा खर्चा करने के लिए। अरे यार बाल कहाँ।